नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको रेट सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्या होता है, किनको होता है, ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है, गर्ल्स में मिलता है। एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, वो लड़कों में होता है, और ये जो रेट सिंड्रोम है ये लड़कियों में होता है। अगर लड़कों में होगा तो लड़कों का प्रग्नोसिस पुअर होता है, वो जी नहीं पाते 2 साल से ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपका भी कोई बेबी है उसको रेट सिंड्रोम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो कृपया डायरेक्ट कॉल नहीं करें, हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होता है। तो रेट सिंड्रोम कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जब 6 महीना स्टार्ट होता है ना, जब बेबी 6 महीने का हो जाता है, तब से लेकर 18 मंथ के बीच में कभी भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं रेट सिंड्रोम होता क्या है। ये एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी है, एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी है। अब ये क्यों होती है, इसका कारण होता है म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जीन में म्यूटेशन होता है, MECP नाम के जीन में म्यूटेशन हो जाता है। MECP2 जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये ऐसा रेट सिंड्रोम डेवलप होता है। अब बात करते हैं रेट सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, सिम्टम्स ऐसे होंगे कि बच्चा पहले वॉक करने लग गया था, अब वो वॉक नहीं कर पा रहा है, पहले वो चलता था अब वो क्रॉलिंग चल रहा है, मतलब भालू की तरह। रिवर्स ऑर्डर में आना, पहले वो 2-4 शब्द मामा पापा दादा बोलने लगा था, अब उसने बिल्कुल बोलना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, ये रेट सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या होता है, सिम्टम्स को मैं एक स्टेजिंग में बताता हूं। इसका होता है स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जो स्टेज 1 होती है वो स्टार्ट होती है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक। तो उसमें वही ग्रोथ रिवर्स हो रही है, रिटार्ड हो रही है, मतलब बैक जा रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। 2 साल का दिख रहा है डेवलपमेंट उसमें 7 साल की, ठीक है। तो 6 से 18 महीने में। अब होता है सेकंड स्टेज जो कि 1 साल से 4 साल के बीच में आती है। उसमें क्या होता है, उसके मूवमेंट लूज हो जाते हैं और स्पीच इंपेयर्ड हो जाता है। जैसे कोई मोबाइल पकड़ना है तो मोबाइल नहीं पकड़ पा रहा है, ऐसा हो रहा है, या रिमोट पकड़ना है रिमोट नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज आती है 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में। इसमें उसको बोलने में प्रॉब्लम, अपारेक्सिया होगा, सीजर्स आ सकते हैं, मिर्गी जिसको कहते हैं, एपिलेप्सी आ सकती है, पर वो जनरलाइज्ड होगी, फोकल नहीं होगी कंप्लीट, है। अटाक्सिया हो सकता है, चलने में डिफिकल्टी हो सकती है। अब आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, मूवमेंट रिड्यूस हो जाते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, रिजिडिटी होगी, एकदम स्टिफनेस बॉडी में आएगी, ये सारी होगी, है ना, वॉक करना बंद हो जाएगा, हो सकता है बच्चा व्हील चेयर पे आ जाए, तो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें। देखो, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो EEG टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी। CSF एनालिसिस हम ले सकते हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं CSF एनालिसिस के अंदर बीटा एंडोर्फिन हमें दिखेगा, ठीक है। तो CSF एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं। बाकी जो इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, जो इसको पहचाना जाए, एक तो क्लिनिकल हो गया, पर डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या होगा, जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में हम देखेंगे MECP2 जीन में म्यूटेशन होता है। उसके अलावा बच्चे को कई बार कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहने लगे, इसोफेजियल रिफ्लक्स होने लगे, गर्ड हो जाए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो कॉन्स्टिपेशन को हम लग्जेटिव से ट्रीट करेंगे। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं होता है, पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ताकि बच्चे में वीकनेस प्रोग्रेस नहीं करे, उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। जो इसका बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो बोला गया है ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी, पर उसके साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे मैंने बताया गर्ड हुआ, कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा SSRI दे सकते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर। सीजर्स आ रहे हैं तो एंटी कन्वर्जेंट देना है, और अगर बच्चे में टेंडेंसी खुद को हार्म पहुंचाने का, खुद को नुकसान पहुंचाने का, तो एंटी साइकोटिक दे सकते हैं। इसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, कार्डियक अरिथमियाज के चांस होते हैं, तो उस केस में हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और ये क्या होता है कि 1,850 लड़कियों में एक लड़की को ये पाया जाता है। अब ये जनरली छोटे बच्चों से ही पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है। लड़कों में होगा तो ऑटिज्म और लड़कियों में होगा तो हम बोलेंगे रेट सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें जो मेजर रोल है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की इस डिजीज को प्रोग्रेस नहीं होने दे, लाइफ स्टाइल उसको बताई जाएगी, उसको प्रॉपर डाइट बताई जाएगी, और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो उसकी बॉडी में डीजनरेशन को कम करेगी,
न्यूरोजिनेसिस न्यूरॉन्स के बनने में हेल्प हो, मसल स्पास्टिसिटी है तो स्पास्टिसिटी को खत्म करने में हेल्प हो, ठीक है, स्कोलियोसिस हो सकता है इसमें, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तो उन सबको रोकने के लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट इज ऑल्सो नेसेसरी। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस बीमारी को समझना कि ये क्या है, प्रॉपर एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। जब आपको इस बीमारी का समझ होगा, पेरेंट्स को समझ होगा, तो बच्चे का ट्रीटमेंट बहुत इजी होगा। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है लास्ट में। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।